सबूरी मेरे नाई दिल बंधे सबूरी नाई दिल बंधे सबूरी एक दिन आकी बात पितावे बरना बन के आए अरे एक दिन आकी बात पितावे बरना बन के आए बदल चौक डाल दे तुमने बैठो कर मार मिलाए अरे मुगदल चौक डाल दे तुमने रे तू कर मार मिलाए सोता दिन ब्याह करो बिटिया नु करे अब गुरुदेव हार गए जग सूरी अरे मेरे नाई दिल बंधे सबूरी सोता दिन ब्याह करो बेटिया न कोरे अब और हारे गए जग सूरी अरे मेरे नाई दिल बंधे सबूरी मेरे पति ने कंसराज ने 1000 मन के मुगदल मिला दिए थे पिताजी बादन सो लली कछी बात है गई है सुनो मेरी नंद के दोनों बेटा चले मथुरा में आए अरे मेरी नंद के दोनों बेटा चल मथुरा में आए साजन बैठे थे दादिया पे सैया मार गिराए अरे साजन बैठे थे गद्दी पे सैया मार गिराए सो विधवा भी अभी तो प्यारी अब रही गई मांग अधूरी अरे मेरे नाई दिल बंधे सबूरी सो विधवा भी अभी तो प्यारी रे अब मेरी रह गैया मांग अधूरी अरे मेरे नाई दिल बंधे सबूरी आत जोर के बिनती तुमते अपनों कट को सजाओ अरे हाथ जोर के बिनती तुमते अपनों कट को सजाओ तब ही चैन पर ओ छाती हमें बदलो जाहि पटाओ अरे तब ही चैन पर ओ छाती में बदल हो जाए पटाओ सो सब श्रृंगार डरी रहो तम कौर अब तो हाथ मोहर दई चूरी अरे मेरे नाई दिल बंधे सबूरी जो सब संग आ रही जड़ी गौ तन को रे अब मेरे हाथ मर गई चोरी अरे मेरे नाई दिल बंधे सबूरी जागनी एक छोड़ी सेना की गिनती होती है 218,700 आक्रमण किया भगवान ने सेना सम्मार दी जरासंध को छोड़ दिया दूसरी बार फिर आया फिर लड़ाई हुई और ये बिमलेश बहन जी की तरफ से एक थाल और 200 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए धन्यवाद और 100 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए 200 रुपए भंडारे के लिए और ये दोनों बहन जी 100-100 रुपए हमारे शास्त्री मंडल को दिए हैं।
परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। और ये श्रीमान रामवीर कश्यप जी की तरफ से व्यासपीठ के माध्यम से 200 रुपए हैं, परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। इस तरह से 17 बार आक्रमण किया था, 17 बार। ध्यान रखना श्रोता बंधु, 17 बार आक्रमण किया था, 18वीं बार जरासंध ने फिर तैयारी की है। और जरासंध का एक मित्र था कालेवन, 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लाया, 3 करोड़। और जिस समय 3 करोड़ मलेच्छों की सेना को लेकर के चढ़ाई की है, भगवान श्याम सुंदर से सामना किया, इधर से तो हाथ कन्हैया ने बढ़ाया और इधर से उसने कालेवन ने बढ़ाया, 4 अंगुल का फासला रह गया। जब कालेवन आगे बढ़ा, भगवान पीछे हट गए, फिर आगे बढ़ा, फिर पीछे हट गए। जैसे ही दोनों हाथों से जेट भरना चाहा, भगवान मैदान छोड़ के भाग भाग गए। एक नाम और पड़ गया रणछोड़। जो भी समाज में छोटे काम हो गए हैं, वो कन्हैया ने पहले खुद कर दिए भगवान ने। सही बताइयो, दुनिया चाहते कि हम गोरे बने, कारो रंग कोई स्वीकार करते है, पर गोरे रंग पे अगर तुम होते बलिहारी, तो दुनिया में भी जिंदा कैसे रहते, जिनकी काया कारी दाता खैर करी बड़ी। सांवला रंग भगवान ने स्वीकार किया। लड़ाई के मैदान में तो कोई भाग जाए तो वह तोहीन लगते है, तो लड़ाई के मैदान में तगर का भागनो पच जा तो कह दियो कि नहीं यू भाज गए एक दिन तो। तो कालेवन पिछाई करता गया, भगवान आगे भागते गए। एक पर्वत की गुफा में पहुंचे जहां एक महान पुरुष बहुत दिन से सो रहे थे नींद में। तो कन्हैया ने अपनी पीतांबर जाकर उनके ऊपर उड़ा दी और पीछे जाके छिप गए। तो कालेवन ने कही, अच्छा तो तू सोने का बहाना कर रहा है, जब आता जानता कि सोते भैया मातनाए, उठ जल्दी, मार के जाऊंगा आज। अब आवाज तो बूदेसो जगे रहो, होए सुबैया सो रहो बहुत दिन थे, लेकिन जब उधर से आवाज नहीं दी तो वो पापी क्रोध में आया है। और जिस समय क्रोध बढ़ाए तब क्या करता था, अरे तब चरण करो फेरा हारा लात मार दी। अरे तब चरण करो फेरा हारा और लात मार दई असुर दुबारा। और ये 100 रुपए मुनिपाल चक्की वालों की तरफ से हैं, व्यासपीठ के माध्यम से, धन्यवाद। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। राजन परीक्षित, जैसे ही उस महान पुरुष ने पलक उघार करके देखा है, कालेवन चल के भस्म हो गया। तो परीक्षित ने पूछा है कि प्रभु समझ में नहीं आई, वे कौन थे जो सो रहे थे। राजन परीक्षित, वो मानधाता के पुत्र मुचकुंद थे, देवताओं की मदद की थी जब देवासुर संग्राम हुआ था तब। तो देवताओं की जब जीत हो गई थी तब देवताओं ने कहा था कि तुम्हारी इच्छा हो वो वरदान मांग लो, मांग लो। तब कही, महाराज मैं नींद भर के सोना चाहता हूं, सोना चाहता हूं।
और इतनी कृपा रहे कि मोए कोई जगावे नहीं। तो देवताओं ने यहां ला करके उन्हें सुबा दिया। वहां ला करके जब नींद में सुबाया तो ये वरदान दे गए थे देवता कि अगर तुम्हें सोते हुए किसी ने जगा दिया और तुम्हारी दृष्टि उसके ऊपर पड़ जाएगी, वो जल के भस्म हो जाएगा। ध्यान रखना, जितने दिन महाराज सोते रहे महाराज की श्वास चलती रही और नेत्र बंद बने रहे, उतनी शक्ति और सामर्थ्य नेत्रों में बढ़ती गई। आपने देखा है, अंधेरे में दिखाई नहीं देता, अंधेरे में दिखाई नहीं देता। अगर तुम्हारी आंख देखती है तो फिर आंख तो अंधेरे में देख लेगी। इसका मतलब है आंख में स्वयं की रोशनी नहीं है। अगर स्वयं की हो तो वो अंधेरे में देख लेगी। उन्हें का अंधेरे कमरा में एक छोटी सुई डाल दो, वो कह दो ला ढूंढ के देता कहां है। आंख में भी किसी और का प्रकाश है। और ध्यान रखना, जो अंधकार दिखाई देता है वही तो माया है, वही माया है। राजन परीक्षित, आयुर्वेद इस बात को बताता है। सभी बहन बेटियां, नौजवान बच्चे ध्यान से सुने। मोबाइल की बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है, सही बताओ तुम एक नंबर मिला सकते हो कौन? फिर बाजार में कोई विशेष आवश्यकता आ जाए और मोबाइल स्विच ऑफ है जाए तो कहो दुकानदार से निवेदन और कहते हैं भैया ने के एक मिनट कहूं लगा दे ताकि नंबर लेकर आवे। हाँ, नंबर मिल नहीं सकता, बात नहीं कर सकते आप। तो ऐसे ही ये तुम्हारा शरीर है और शरीर की मशीनरी जब वीक होती है, ये चार्ज किससे होती है? ये नींद भर के सोने से ये चार्ज हो जाती है, ज्यों का त्यों काम करती है। आपने देखा है, पढ़ाई लिखाई पूरी वर्ष चलती रही। पढ़ने वाले बच्चे विशेष ध्यान से सुने, पूरी साल पढ़ाई चलती रही और वे टीवी पे मैच ही देखते रहे और जब परीक्षा आती है तो सवेरे को गणित को पेपर हुआ, रात को सभी रात जग रहे हैं, सभी रात किताब पलटी, पूरी रात जगत ली कर गई। सवेरे को निकाल कल अतिकाई सभी किनारो कर गई। पूरे कोर्स को पूरी मेहनत से पूरी वर्ष पढ़िए और जिस रात को सवेरे पेपर हो परीक्षा का, भर के नींद चैन से सोइए, बुद्धि चौगुना काम करेगी। और सभी रात जगत रहे तो बुद्धि हतिका ही सो खत्म होगी। 6 घंटा से कम सोएंगे आप तब भी रोगी बन जाएंगे और 8 घंटा से ज्यादा सोएंगे तब भी रोगी बन जाएंगे। 8 घंटा हमारे यहां शास्त्री मंडल में 18-18 घंटा के सवैया मौजूद हैं। 24 घंटा में 18 घंटा सवा लो, जगाओ ही मत तुम बिल्कुल। बसने का आधा आध घंटा दोनों टाइम रोटी को जगा दो, 4 घंटा भागवत के मंच पर पहुंचा दो, बस 5 घंटा है। 1 घंटा नहीं करना, नहाए धोवे कपड़ा धोवे कितना है या बाकी सब तुम सवा ही दो। 500 रुपए श्री रतनलाल राजपूत जी भंडारे में और 100 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए है। धन्यवाद। श्रोता बंधु, भगवान लौट करके आए हैं तो जिस समय मुचकुंद महाराज का कन्हैया का आमना सामना हुआ, श्याम सुंदर का दर्शन करके और ये महेश कश्यप जी हैं उनकी तरफ से 100 रुपए हैं व्यासपीठ के माध्यम से, भगवान का नाम हृदय में धारण करते हुए मुचकुंद महाराज धीरे धीरे पर्वत की तरफ चले। इधर बलराम से कन्हैया ने कहा
कि भैया 17 बार मैदान में जीते हो, अब की बार हारना पड़ेगा, अब की बार हारना पड़ेगा। तो बताओ, जीती हुई लड़ाई को कोई हारना चाहता है?